हेलो फ्रेंड, संजू बॉबी किचन एंड ब्लॉग्स में आप लोगों का फिर से आज स्वागत है। तो आज एक मैं नई रेसिपी के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। आज का रेसिपी ठकुआ है। हमारे बिहार में तो ठकुआ ही बोलते हैं, बहुत से लोग उसको खजूर भी बोलते हैं। तो वो रेसिपी मैं आप लोगों से बताई हूँ, उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये रेसिपी पसंद आएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं ठकुआ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ठकुआ। ठकुआ आटे से भी बनता है, लेकिन मैं आज मैदे और सूजी का बनाऊंगी। तो मैं ये मैदा ली हूँ, मैदा में इतना सा सूजी जाएगा, बारीक वाला मैं सूजी ली हूँ, और एक कटोरी चीनी जाएगा इसमें, और मोयन के लिए इसमें 2 चम्मच भर के घी डालूंगी। अब इन सभी को मैं मिक्स करूंगी। मैदा, सूजी, चीनी और घी, देखिए इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये हमारा मिक्स हो चुका है, इसको अच्छे से मिक्स करना जरूरी है, तभी हमारा ठकुआ क्रंची बनेगा। अब मैं इसका डो तैयार करूंगी। तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी मिलाऊंगी, इकट्ठे पानी नहीं मिलाऊंगी। देखिए ठकुए का डो मैं तैयार कर दी हूँ। अब इस तरह से सारे डो का गोला बना दूंगी। गोले बनाने के बाद देखिए इस तरह से रख देना है और इससे दबा देना है, और सारा ठकुआ देखिए मैं इस तरह का बना करके तैयार कर ली हूँ। हमारा सारा बन चुका है। अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। देखिए तो ठकुए को मैं फ्राई कर रही हूँ, इसको लो टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। देखिए मैं सारा ठकुआ को फ्राई कर दी हूँ। हमारा ठकुआ जो है सारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल करके आप लोगों से दिखा रही हूँ। देखिए हमारा सारा ठकुआ फ्राई हो चुका है। देखने में कितना यम्मी दिख रहा है, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना है। तो आप लोगों को हमारा ये रेसिपी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।